नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टेंस की इंपॉर्टेंस। जी हां, टेंस का महत्व क्या होता है। आप लोग टेंस तो पढ़ते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है, बहुत सारे मैंने उसके सभी पार्ट्स बना के रखे हैं। आप चाहे नीचे वहां लिंक दिया हूं मैं डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लेंगे। टेंस की मैंने बुक भी बना के रखी है जिसमें मैंने पूरे पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सभी टेंस के मैंने वहां पर पूरे 12 प्रकार वहां पर डिटेल में एग्जाम्पल के साथ मैंने पूरे वहां पर रूल रेगुलेशन सभी लिख कर दिए हुए हैं। आप नीचे डाउनलोड कर लेंगे, आपको उससे आसानी होगी। आज मैं आपको यहां पर कोई टेंस का स्पेशली कोई यहां पर पार्ट नहीं पढ़ाने वाला, चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूं। आपको आज मैं टेंस का इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं, टेंस का महत्व कहां पर होता है। देखिए, इंग्लिश में मान के चलिए दो प्रकार के जो वाक्य होते हैं, एक होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल यानी हम जिसमें साधारण बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं आपको कि राम एक अच्छा लड़का है, यह बहुत ही सिंपल वाक्य हो गया, राम एक अच्छा लड़का है। अब लेकिन यदि हम टेंस में बात करते हैं तो टेंस का मतलब होता है वहां पर कुछ ना कुछ काम होता है, या तो गाने का, खेलने का, कूदने का, जाने का, कोई काम वहां पर हुआ होता है, हम ये काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ काम का बोध होता है, तो वहां पर टेंस का यूज करते हैं। जी हां, जैसे मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, तो यहां पर टेंस लगाने की आवश्यकता नहीं, यहां पर सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हैं। लेकिन यदि मैं कहूं कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर पढ़ने का काम हो रहा है, तो यहां पर टेंस का जो रूल है वो लगाना पड़ेगा यहां पर। इसी प्रकार से यदि मैं कहता हूं कि राम क्रिकेट खेलता है, या राम क्रिकेट खेलता था, या राम क्रिकेट खेलेगा, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट किसी भी टेंस पे बात हो रही हो, लेकिन यदि काम की बात हो रही हो, कोई काम हो रहा वहां पर, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, पढ़ना, किसी भी प्रकार की, तो वहां पर हम टेंस के रूल्स लगाते हैं। और यदि कोई काम की बात नहीं हो रही, जैसे मैंने आपको बताया कि राम एक अच्छा लड़का है, तो यहां पर कोई काम तो नहीं हो रहा, राम एक अच्छा लड़का है, अब उसके बारे में बता रहे हैं, तो जब किसी के बारे में बता रहे हैं सिंपल सेंटेंस में, तो वहां पर सिंपल रूल लगता है। और जहां पर आप कुछ काम का बोध होता है, कुछ काम हो रहा है, तो वहां पर टेंस लगाते हैं। तो टेंस का महत्व यहां पर होता है, जब आप वाक्य देखेंगे कुछ वहां पर काम हो रहा है, तो आप उसे टेंस का रूल लगा के बना सकते हैं कोई भी वाक्य को। तो देखते हैं कैसे बना सकते हैं। यहां पर मैंने ये नहीं लिखा हुआ है कि ये कौन से टेंस में है, आपको यहां पर पहचानना है कि कौन से टेंस में है, और टेंस के उसके अंदर जो मैंने बहुत सारे आपको पार्ट्स बताए थे, जैसे कि सिंपल टेंस बताया था मैंने, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इंडिफिनिट टेंस जिसे कहते हैं, उसी प्रकार से उसमें निगेटिव भी बताया था मैंने, कंटिन्यूअस टेंस का भी बताया था मैंने, उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बताया था, पास्ट फ्यूचर सभी का मैंने 12 पार्ट टोटल वहां पर बता के रखे हैं, आप नीचे लिंक में देख लेंगे। तो यहां पर देखते हैं, एक वाक्य हम लेते हैं, इसे हम यहां पर कन्वर्ट करके देखते हैं, ट्रांसलेट करके देखते हैं रूल के हिसाब से। तो देखिए, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मान लो कोई इस प्रकार से आपको किसी को इंग्लिश में बोलना है कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब ये बहुत ही लंबा चौड़ा वाक्य आपको दिख गया, अब आप देखकर घबरा गए कि यहां पर इतना लंबा चौड़ा वाक्य लिखा है, हम इसका ट्रांसलेट कैसे करें। तो इसका कुछ नहीं है, इसको आपको रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने टेंस में आपको बताया हुआ है उसके रूल्स। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने नीचे यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला कहां से आया, मैंने आपको बताया है सभी के फॉर्मूला कि प्रेजेंट टेंस में, इंडिफिनिट टेंस में कौन कौन से फॉर्मूला लगेगा, निगेटिव में कौन सा लगता है, इंट्रोगेटिव में कौन सा लगता है, सभी मैंने बता के रखा है, यहां पर आपको बस यूज करना सिखा रहा हूं। तो देखिए, मैंने लिखा मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपको देखना है कौन से टेंस में है, कर रहा हूं, तो ये प्रेजेंट टेंस सबसे पहले तो हो गया प्रेजेंट टेंस। फिर लिखा हुआ है रहा हूं, तो रहा हूं, रही हूं, ये सभी कब लगता है, जब कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सब मैंने पहचानने का तरीका भी पहले आपको बताया हुआ है, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, तो आपको पता चल जाएगा टेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, हम टेंस से कैसे यहां पर किसी भी वाक्य के हम वहां पर ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। अभी हो गया कर रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, लेकिन यहां पर सुबह से, तो कंटिन्यूअस टेंस के साथ यहां पर यदि समय लिखा हो, कितने बजे से इंतजार कर रहा हूं, कब से इंतजार कर रहा हूं, उतने दिन से नहीं खाया, इतने दिन से खेल रहा हूं, तो जहां पर भी समय दिया हो, किसी प्रकार का टाइम दिया हो, महीने का नाम दिया हो, कोई भी समय वगैरह वहां पर दिया हो, तो वहां पर आप समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। जी हां, तो इस प्रकार से आपको पता करना होता है कौन सा टेंस है, उसके कौन से जो उसके सब डिविजन होते हैं उसमें से कौन सा पार्ट आ रहा है, उसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कैसे, और मैंने उसका वीडियो बना के रखा है किस प्रकार से पहचान सकते हैं, और टोटल आप देख लेंगे। अब देखिए इसका रूल क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज प्लस उसके साथ लगता है बीन प्लस वर्ब यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस आईएनजी जुड़ेगा उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप यदि टेंस जानते हैं, उसके रूल्स जानते हैं, तो आप किसी भी वाक्य का
आसानी से उसमें सेंटेंस आप बना सकते हैं, उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर कौन है, कौन तैयार कर रहा है, मैं, तो यहां पर मैं सब्जेक्ट हुआ, तो आई, आई के साथ हैव या हैज, तो आई के साथ लगता है हैव। अब हैव लगता है कि हैज लगता है, इसका रूल क्या है मैंने पूरा बता के रखा है, टेंस का मेरे जो अब नीचे वीडियो देख लेंगे आपको पूरा समझ आएगा हैव क्यों लगता है, हैज लगता है, क्या क्या नियम लगता है, सभी बताया हुआ हूं। तो आई के साथ हैव लगता है, फिर आपको बीन लगाना है तो हमने बीन लगा दिया। फिर बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी कार्य, तो कौन सा काम हो रहा है, इंतजार कर रहा हूं, इंतजार यानी होता है वेट, वेट यानी इंतजार, लेकिन यहां पर बोल रहा है वेट के साथ आपको एनजी जोड़ना है तो हो जाएगा वेटिंग, ये हो गया वेटिंग। फिर आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन किसका इंतजार कर रहा हूं, किसके लिए, तुम्हारा, यानी कि फॉर यू, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारे इंतजार कर रहा हूं, वेटिंग फॉर यू। अब ये तो हो गया मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, लेकिन कब से इंतजार कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट कब से इंतजार कर रहा हूं, सुबह से। तो यहां पर सुबह क्या है, आपको पता है कब से इंतजार कर रहा है, सुबह से। यहां पे ऐसे यदि बोलता कि दो घंटे इंतजार कर रहा हूं तो वहां पर क्या लगता है, सिंस या फिर फॉर लगाने का रूल होता है। जी हाँ, सिंस या फिर फॉर, सिंस कब लगता है, जब आपको पता हो कि कितने समय से, मतलब कोई टाइम एग्जैक्ट दिया हो या सुबह से या इस महीने से, पूरा वहां पर डिटेल में लिखा हो। लेकिन यदि ऐसे लिखता है कि दो घंटे से काम कर रहा हूं, पिछले चार महीने से मैं पढ़ रहा हूं, तो वहां पे आपको क्लियर नहीं होता वो चार महीना कौन सा है, वो पिछला दो घंटा कब से है। लेकिन यहां पर बोल रहा है सुबह से, तो यहां पर क्लियर हो गया कि आज सुबह से काम कर रहा है, तो यहां पर आएगा सिंस। और यदि क्लियर नहीं होता तो फिर फॉर लगता, वो सभी नियम मैंने आपको बता के रखा है। तो यहां पर आ गया फॉर यू, सिंस, यहां पर लग गया सिंस, और कब बोल रहा है, मॉर्निंग, सुबह से, तो हो गया मॉर्निंग। I have been waiting for you since morning. मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देखिए इतना लंबा है लेकिन आप आसानी से बना सकते हैं, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला मैंने पूरा दिया हुआ है, बुक से डाउनलोड कर लेंगे और आपको आसानी से पता चल जाएगा। एक दो वाक्य जल्दी से बना के देखते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा टेंस हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों उसकी आवश्यकता होती है। मान लीजिए कोई लिखा हुआ, उसने मेरी मदद नहीं की थी, उसने मेरी मदद नहीं की थी, मदद करना यानी कोई काम हो रहा है, कोई हेल्प हो रहा है, तो नहीं की थी, तो इसका भी रूल होता है। सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि कौन से टेंस में है, पास्ट, फ्यूचर की, प्रेजेंट। तो यहां पर आप देख रहे थी, तो था, थे, थी कब लगता है, पास्ट टेंस में, तो ये पास्ट हो गया। फिर पास्ट के अंदर क्या चीज है, सिंपल है, कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसे देखिए, मदद नहीं की थी, उसने मेरी मदद नहीं की थी, तो ये हो गया सिंपल टेंस, हो गया पास्ट, सिंपल टेंस हो गया। तो यहां पर कौन कौन सा रूल लगता है आप देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, क्योंकि डिड नॉट लगता है यहां पर, डिड नॉट, यदि नहीं लिखा हुआ है तो नहीं नहीं लिखते, तो यहां पर डिड नहीं आता, वहां पर सीधा वहां पर सेकेंड फॉर्म आता है। फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप ये बोलोगे हमें समझ नहीं आ रहा है, यदि आप लोग नए नए टेंस पढ़ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और जो लोग टेंस पढ़ चुके हैं उनके लिए वीडियो खासतौर पर बना रहा हूं कि आखिर टेंस हमने क्यों पढ़ा, उसका महत्व क्या है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, उसने, उसने मेरी मदद नहीं की, किसने नहीं की, उसने, उसने, तो यहां पर हो गया ही। उसके बाद देखिए फिर बोल रहा है डिड लगाना है हमें, तो डिड। फिर बोल रहा है नॉट लगाना नहीं के लिए, तो हम लगाए नॉट, ये हो गया ही डिड नॉट। फिर बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कार्य, कौन सा कार्य हो रहा है, मदद, मदद करना, तो मदद यानी होता है हेल्प, तो हमने लिखा हेल्प। प्लस ऑब्जेक्ट, किसकी मदद नहीं की, मेरी, तो ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की। आई नहीं आएगा, आई यानी होता है मैं, लेकिन मेरी का होता है यहां पर मी, मी यानी मेरा, मेरी। तो यहां पर आपने देखा ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की थी, तो देखिए थी का हमने बता दिया, आपको पूरा नियम यहां पर बता दिया। इस प्रकार से आप टेंस का बना सकते हैं कोई भी सेंटेंस, और टेंस इसलिए फायदेमंद होता है। कविता एक प्यारा गाना गाएगी, अब ये लंबा आपको दिख गया, अब आपको फिर पहचानना है पास्ट है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, तो गाएगी, गाएगी, खेलेगी, घूमेगी, तो ये हो गया फ्यूचर टेंस का। तो फ्यूचर टेंस का आप रूल लगाएंगे, लेकिन फ्यूचर में क्या लगेगा, एक प्यारा गाना गाएगी, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, प्यारा गाना गाएगी, यहाँ पर नहीं गाएगी या गा चुकी होगी,
इस प्रकार से कोई शब्द वहां पर नहीं लिखा हुआ है, वाक्य नहीं लिखा हुआ है, तो ये सिंपल है। कविता एक प्यारा गाना गाएगी, यानी कि सिंपल टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आ गया। तो उसका रूल लगाएंगे, वहां पर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, गाना कौन गाएगी, कविता, तो कविता सब्जेक्ट हो गया, तो हम लिखते हैं कविता। फिर उसके साथ लगेगा विल, तो हमने लगाया विल, तो विल हो गया। फिर यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या काम हो रहा है, गाना गाना, तो गाना यानी होता है सिंग, तो विल सिंग, फर्स्ट फॉर्म बोला इसलिए सिंग। फिर उसके बाद बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो क्या गाएगी, एक प्यारा गाना, तो कविता विल सिंग एक अ लवली सॉन्ग। तो इस प्रकार से ये वाला वाक्य भी बन गया, कविता एक प्यारा गाना गाएगी, कविता विल सिंग अ लवली सॉन्ग। एक और देख लीजिए, अब ये लंबा दिख रहा है आपको, बहुत लंबा, लेकिन इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। क्या रमेश अमेरिका जाने के बारे में सोच रहा होगा, देखिए इतना लंबा वाक्य है, लेकिन यदि आपको टेंस आता है, उसके रूल्स पता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए कौन से टेंस में, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में कि फ्यूचर में है, तो ये होगा तो गाएगी, तो फ्यूचर टेंस हो गया, तो फ्यूचर टेंस, उसमें फ्यूचर टेंस के अंदर कौन सा है, तो रहा होगा, तो रहा कब लगता है, कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, कब लगता है, कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब यहां पर लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब कोई समय लिखा हुआ है क्या, नहीं यहां पर कोई समय नहीं लिखा, यहां पर लिखा होता क्या रमेश एक साल से अमेरिका जाने के बारे में सोच रहा होगा, तो फिर यदि समय के साथ कंटिन्यूअस आता तो फिर वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यहां पर रूल लगाते, लेकिन यहां पर सिंपल क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यहां पर यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले विल, क्योंकि प्रश्न वाला है, प्रश्न वाला जब भी आता है इंट्रोगेटिव जो होता है इंट्रोगेटिव, तो उसमें क्या होता है, सवाल जब भी आते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। तो देखिए क्या रमेश, तो विल को हमने पहले ले आया, तो हम लिखेंगे विल। फिर बोल रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, रमेश, कौन अमेरिका जाने के बारे में सोच रहा है, रमेश, तो विल रमेश। फिर बोल रहा है बी, विल रमेश बी। फिर बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आपको देखना है यहां पर दो दो काम हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, जाना और सोचना, जाने के बारे में सोच रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो सोचना है लिखा हुआ है इसे हम पहले लिखेंगे, जाने के बारे में सोच रहा है, तो जाना जो मेन वर्ब है उसे हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हो गया विल रमेश बी सोचना, सोच रहा होगा, तो सोचना भी वर्ब है, तो सोचना यानी होता है थिंक, लेकिन बोल रहा वर्ब के साथ हमें एनजी भी लगाना पड़ता है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, तो विल बी थिंकिंग, ये हो गया थिंकिंग। उसके बाद आ जाएगा, फिर बोल रहा है बारे में, तो बारे में क्यों बोलते हैं इंग्लिश में, अबाउट, अबाउट यानी किसी के बारे में, कि टेल अबाउट यू, आपके बारे में कुछ बताइए, तो अबाउट यानी होता है बारे में, तो थिंकिंग अबाउट, यहां पे हमने लिखा अबाउट, ये हो गया अबाउट। उसके बाद क्या, किस बारे में सोच रहा है, जाने के बारे में, कहां, अमेरिका, अबाउट गोइंग। देखिए फिर वर्ब आ गया, यहां पर वर्ब, दो दो वर्ब लिखा हुआ है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एनजी, अबाउट गोइंग टू अमेरिका। तो देखिए यहां पर आपको कैसे करना है, बिल्कुल रूल के हिसाब से आपको चलना है। तो इस प्रकार से लंबे लंबे वाक्य को आप आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको टेंस आता है, टेंस के रूल आपको आते हैं, तो आप ऐसे बहुत सारे वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, आप नीचे बुक भी डाउनलोड कर लेंगे और नीचे के वीडियो को भी देख लेंगे, तो बताएंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, ऐसी वीडियो मैं हमेशा आप लोग के लिए बनाते रहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।